हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो डिज़ाइन लेकर आई हूँ, मुझे लगता है ये डिज़ाइन इससे पहले आपने किसी भी चैनल पे नहीं देखी होगी और हो सकता है कहीं देखी भी हो, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है और बहुत पहले लोग इस तरह के डिज़ाइंस बनाया करते थे। तो मुझे डिज़ाइन मिली है तो मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, कार्डिगन बनाना चाहती हूँ अगर तो बेहद खूबसूरत कार्डिगन आप इससे बना सकती हैं। शॉल और ब्लैंकेट्स भी इससे बहुत खूबसूरत बनेंगे और ये डिज़ाइन आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये डबल क्रोशे की एक रो बना रखी है और इसके लिए हमें 13 के मल्टीपल में हमें चैन लेनी है। फिर सबके ऊपर आपको डबल क्रोशिया बना लेना है, 3 चैन एक्स्ट्रा लेनी है, 13-13 के हिसाब से लेना है, मल्टीपल ऑफ 13+3। तो यहाँ पे मैंने 55 यानी कि 55 डबल क्रोशिया बना के रखे हुए हैं। तो देखिए, जो रो की फर्स्ट है, जो हमारी फर्स्ट रो है, देखिए यहाँ पे एक दो दो चैन बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया, ये प्लस थ्री जो है ये हमने यहाँ पे बनाया। देखिए इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक दो तीन, तीन के बाद चार पाँच, पाँच चैन बनानी है और एक दो तीन स्किप करेंगे, चौथे में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पाँच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बनाएंगे, दो छोड़ेंगे, तीसरे में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बनाए, एक दो तीन स्किप किया, देखिए एक दो तीन स्किप किया, चौथे में ये बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद ये दूसरे में और फिर ये तीसरे में। तो देखिए, अब ये जो हमने यहाँ से चैन से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक का हमें रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांच चैन बनाई, एक दो तीन चार, चौथे वाले में हम सिंगल क्रोशिया में बनाना है, चौथे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन, दो छोड़ेंगे, तीसरे में फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन, एक दो तीन, तीन छोड़ेंगे, चौथे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पाँचवे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में ये देखिए। तो ये इतना पैटर्न आपको रिपीट करना है, इतना लास्ट तक बनाते हुए जाना है। तो बना लेते हैं। देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली, फर्स्ट रो कंप्लीट की हमारी डिज़ाइन की। अब सेकेंड रो पर हैं। देखिए यहाँ पे हम दो चैन लेंगे, फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिए के ऊपर जो हमने तीन डबल क्रोशिए बनाए हैं उस पर, ये देखिए इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और तीन चैन के बाद इसके बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर है। अब इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया, फिर दो चैन, एक दो, फिर उसके बाद एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया और फिर हम यहाँ पे इसमें लूप में सिंगल क्रोशे से ऐड करेंगे, फिर एक दो तीन, तीन चैन और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से, देखिए ये डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन और देखिए ये जो लूप है इसके बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ पे अब हम नेक्स्ट लूप में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाए, दो चैन लेंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया लिया, फिर इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन चैन और ये जो डबल क्रोशिया है, तीन डबल क्रोशिया पे तीन डबल क्रोशिया। तो यही पैटर्न फॉलो करते जाना है आपको लास्ट तक, एक दो तीन, इसमें फर्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद सेकेंड लूप में तीन डबल क्रोशिया, एक दो
तीन, फिर एक दो, फिर एक दो तीन, और फिर यहाँ पे बिना कोई चैन लिए सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, तीन चैन, और फिर ये डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको लास्ट तक ये पैटर्न बनाते हुए जाना है। ये देखिए, ये हमने सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड रो पर हैं। देखिए यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, देखिए बनाया। अब इसके बाद क्या करना है ये ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये जो है देखिए, हमें इसमें पफ बनाना है इस तरह से, देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बार लूप लिया, इसे हम बंद करेंगे। फिर एक दो तीन चार, चार लेंगे, चार चैन, और फिर इसी में हम एक सिंगल स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार लिया, फिर देखिए इस तरह से लूप बनाएंगे, दो तीन चार पाँच, बराबर से आपको लेना है धागा, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चैन बनाए, फिर इसमें वापस से हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर एक दो तीन चार, चार चैन, फिर इसमें लूप बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, देखिए ये हो गया। देखिए ये हमने इस तरह से बनाया तीन, देखा। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए एक दो तीन, देखिए इस तरह से, इसी तरह से बनाएंगे। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार आप, देखिए ये जो हमने बीच में दो चैन बनाया था, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच बार लिया, फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया, एक दो चार, चार लिया, फिर इसमें हमने एक स्लिप स्टिच बना लिया, स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशिया भी आप बना सकते हैं। फिर एक दो तीन चार, चार चैन, फिर वापस से देखिए एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से लिया, फिर इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। फिर एक दो तीन चार, चार चैन, फिर यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बना देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर एक दो तीन चार, चार चैन, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर इस तरह से, फिर सॉरी हमें चैन नहीं लेना है यहाँ पे। अब डायरेक्ट यहाँ पे ये जो तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया है इस पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये लास्ट तक इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो इसे बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली। अब लास्ट फोर्थ रो है, और यही फोर रोज आपको बार बार रिपीट करनी है। देखिए यहाँ पे वन टू, टू चैन, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये दो बनाया, फिर इसके बाद आपको पांच चैन बनाने, एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन बनाया। अब ये जो हमने बनाया हुआ है इसके बीच वाले में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ से पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और देखिए ये जो डबल क्रोशिया तीन हमने बीच में बनाए हैं, एक दो तीन, फिर पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन, और इस जो पफ हमने बनाया इसके बीच में एकदम सेंटर में हमें इस तरह से ये जो हमने यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन, और फिर ये इस तरह से। तो ऐसे आपको लास्ट तक बनाते हुए जाना है, इसी तरह से आपको लास्ट तक बना लेना है।
ये देखिए, ये हमने 4 रोज बना लिए हैं। अब फिर से हम ये 4 लाइन की डिजाइन बनाएंगे, लेकिन ये जो बेस रो है वो हमें फिर बनानी पड़ेगी। देखिए, एक दो दो बनाए हमने चैन, फिर इसके बाद ये तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, अब देखिए ये जो स्पेस है इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन चार पाँच, 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसे आपको इस तरह से फैला लेना है, फिर यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार और ये 5, फिर उसके बाद ये 3 जो डबल क्रोशिया है इस पर तो हम 3 बनाएंगे अपना। फिर ये जो स्पेस है, देखिए ये जो स्पेस है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार और ये 5, ये देखिए 5, 5 यहाँ पर है और ये 5 फिर यहाँ पे। एक दो तीन चार और ये 5 हो गया। फिर इसमें हम 3 बनाएंगे। एक दो तीन, देखिए तो इसी तरह से हम इसे पूरा बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये हमने बेस रो बना ली। अब इसके बाद फिर ये 4 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे फिर हम एक दो दो चैन हमने बनाई, फिर टर्न होंगे और देखिए यहाँ पे एक, बिल्कुल फर्स्ट रो जैसे बनानी है। फिर 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 2 स्किप करेंगे, 3rd में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 चैन बने। 5 चैन के बाद 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5th में और फिर 6th। तो बिल्कुल अभी ये 4 लाइनें आपको बनानी है। देखिए 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये बेस रो बनानी है। तो इसी तरह से डिज़ाइन बनाते जाना है। तो मैं एक डिज़ाइन और बना के फिर उसका लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 डिज़ाइन बनाई है। देखिए लग रही ना प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है। इसे आप और बनाएंगे तो और प्यारी लगेगी ये, और कार्डिगन वगैरह के लिए बहुत प्यारी है। आप शॉल ब्लैंकेट्स वगैरह बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, आप टेबल कवर बना सकते हैं इसे, और तोरण की पट्टी के रूप में भी आप 1 लाइन का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना बना सकते हैं, तोरण की पट्टी के लिए 2 लाइन बना सकते हैं, ऐसे बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको टॉप वगैरह बनाना है तो आप इस तरह से बॉर्डर बनाएं, बाकी ऊपर प्लेन बुने। सिलाई क्रोशिया किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और राइट रॉन्ग दोनों साइड से ये डिज़ाइन एक जैसी है। देखिए दोनों साइड से डिज़ाइन बहुत प्रिटी होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी। डिज़ाइन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको डिज़ाइन कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसे 2 रंग में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। जो ये जो ये जो है, ये जो हमारी बेस लाइन है, ये आप दूसरे कलर से बनाएं, और ये बीच का जो है ये आप दूसरे कलर से बनाएं। चाहे कैसे भी बनाएं, इसे डिज़ाइन बहुत प्यारी लगेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।